आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर जो कि है मैड टेक मैक्स। तो अभी रिसेंटली मैंने दो स्पीकर मंगवाए थे, एक था KDM वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर और एक था जेरस एकेस्टिक बीट्स जैप 700। तो उनमें से एक आ चुका है और शायद दूसरा कल आएगा। ये मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या है। और पहले पता करते हैं कि ये है कौन से वाला स्पीकर। ये रही पेमेंट स्लिप। ये रहा वो हुक जिसे आप अपने पैंट में कैरी करके ले सकते हैं। और ये रही वो चीज स्पीकर, KDM का लाजवाब स्पीकर। देखिए ये रेड कलर में है, मैंने इसे रेड कलर में ही मंगवाया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो ये बना है प्लास्टिक से और इसके ऊपर दी गई है क्रोम की फिनिशिंग जो कि इसे दिखने में लाजवाब बनाता है। इसे छूने से ही वो फील आ जाता है जो कि बड़े ही महंगे स्पीकर में भी नहीं मिलता। तो इसके नीचे दिए गए हैं रबर। मैं आपको क्या है बाद में बताऊंगा। तो ये रहा ऑन ऑफ का बटन, इसे मैं स्लाइड डाउन करूंगा और ये ऑन होगा और सुनिए क्या बोलता है ये। वेलकम टू KDM म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक। तो अब सबसे पहले बढ़ते हैं इसके अलग अलग मोड्स की तरफ को। तो मैंने आपको बताया था मोड चेंज करने के लिए हमें एम बटन दबाना पड़ता है, तो मैं दबाऊंगा एम बटन। रेडियो, तो इसने बोला रेडियो। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं रेडियो चलाने के लिए तो मैं लगाऊंगा ये गाना बैड कर्मा जो कि एक्सेल थेसलेफ का है। और ये गाना मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये स्पीकर्स की वॉइस टेस्ट करने के लिए काफी मान्यता प्राप्त कर चुका है। मैं चलाऊंगा इसे एक मिनट से। दोस्तों मैं आपको एक बात
तो आप इसको अपने कानों में कैरी कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये होता है इसका फायदा, ये किसी और काम नहीं आएगा, ये बस इस काम आएगा, आप इसे बस वॉइस आउटपुट दे सकते हैं। तो ये रहा इसका फंक्शन। अब मैं इसको निकाल दूंगा तो गाना फिर से स्पीकर से चलेगा। पॉज कर। और इसे चार्ज करने का तरीका भी सिंपल है, बस इस केबल को डालिए बट स्पीकर ऑफ कर दीजिए और इसे आप USB अडैप्टर में डालेंगे।